एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी दोपहर के बज गए हैं ठीक 12 और मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने के लिए। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो पैकिंग वगैरह मैंने कल ही कर ली थी, थोड़ी बहुत बची थी वो मैंने अभी कर ली है। बच्चे अंदर रेडी होके बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, बस मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ और वंशिका के पापा तैयार नहीं हुए। फटाफट से तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और टचवुड मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ भी बारिश का मौसम हो रहा है। हरिद्वार में कल से खूब अच्छी वाली बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने वहाँ पर फोन किया था तो उन्होंने बोला बारिश अच्छी हो रही है, मौसम जो है ठंडा हो गया है और ठंडे ठंडे मौसम में ना ट्रैवल करने का मजा आ जाता है। तो बस अभी रेडी होती हूँ मैं। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि जब आप हरिद्वार जाओगे तो आपके प्लांट्स को पानी कौन देगा और आपकी जो मछलियां हैं उनको दाना कौन डालेगा, तो उसका भी हमने इंतजाम कर लिया है। प्लांट्स को पानी देने के लिए हम अपने नेबर को बोल देंगे तो वो दे देंगे। और जहां तक रही फिश की बात, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि उनको दाना कौन देगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जो मशीन है ना, ये ऑटोमेटिक फीडर है जो 12 घंटे में इस तरीके से घूमती है, और जैसे ही ये घूमेगी तो इसके ऊपर जगह है, स्पेस है, उसे जो दाना है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गिर जाएगा। तो हमने इसको फिल कर दिया है, जितने भी दिन के लिए हम जा रहे हैं उस हिसाब से हमने इसको फिल कर दिया है, तो उतने दिनों तक जो है फिश को अपने आप जो है दाना डल जाएगा। बाकी हम अपने नेबर्स को भी बोल के जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, तो फिश की चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज फिर से मैंने पहना है ये ब्लैक वाला सूट, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। एक दिन पहले भी मैंने इसको पहना था और आज ब्लैक पहनने का रीज़न ये है कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैंने ब्लैक पहन लिया, वरना अगर गर्मी होती ना तो फिर ये पूरा ब्लैक सूट पहना नहीं जाता है। तो इस सूट को पहनने के लिए मैं मौसम का वेट करती हूँ कि मौसम अच्छा होगा तो ही ये पहनूंगी, या फिर हल्की हल्की सी जब सर्दियाँ होती है। तो बाकी वंशिका भी यहाँ पर हो चुके हैं तैयार, यहाँ पर वंशिका के पापा हो रहे रेडी। हेलो तो बोल दो। हाय। और मैंने ब्लैक पहना ना तो उन्होंने बोला कि तूने ब्लैक पहना तो मैं रेड पहन लेता हूँ फिर, तो थोड़ा सा मतलब मैच तो नहीं हुआ है, मैच नहीं होता पर ब्लैक एंड रेड भी अच्छा लगता है। और उधर बैठा है विदांश, मम्मी फुटबॉल ले जाऊंगा। हाँ जल्दी से शूज पहन ले, तो चलिए निकलते हैं जल्दी से। तो हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसम हो गया बहुत अच्छा, तो देखिए कितनी तेज जो है बारिश शुरू हो गई है। जो हरिद्वार में हो रही थी ना इतनी तेज बारिश, अभी वो यहाँ से शुरू हो गई, अब आएगा ट्रैवल करने में मजा। तो फिलहाल हमें डी मार्ट जाना है क्योंकि एक दो सामान मम्मी जी ने मंगवाए हुए हैं वहाँ से, पहले डी मार्ट चल रहे हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हरिद्वार की तरफ। और भाई मौसम इतना औसम हो गया है ना, ऐसा लग रहा है बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो आगे जाके कहीं पर रुकेंगे, चाय भी पियेंगे बढ़िया सी, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बाहर इतने मोटे मोटे ओले गिरने शुरू हो गए। ये देखो तो कितने मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं भाई साहब। ओ वंशिका पीछे पीछे हो जाओ, मुंह पीछे कर लो। ये देखो, तो हम लोगों ने ना सामान तो ले लिया है डी मार्ट से और अब हम लोग हरिद्वार के निकल चुके हैं। लेकिन जो बारिश ने आज तबाही मचाई है ना, देखिए बिल्कुल बाहर का कुछ दिखेगा नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है। बस हम लोग भी अभी लगे हुए हैं रस्ते। और हाँ, आज डी मार्ट में मुझे मिली थी मेरी एक और प्यारी सी सब्सक्राइबर, हमने काफ़ी देर तक बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी कोई ऐसा मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो लोग मुझे देखते थे और उनके बच्चे और हमारे बच्चे जो है ना सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने मिल के ये वाली बात बताई। तो जब कुछ ऐसा होता है ना कितना अच्छा लगता है ना, आपको भी लगा अच्छा? हाँ, फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी सी और उनकी बेटी भी बहुत क्यूट। अच्छा मेरा ना, मैं कैप्चर करना भूल गई, मेरा जो फ़ोन था ना ये गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ था, इस वजह से मैं उनको अपने वीडियो में नहीं ले पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा तो ज़रूर लाऊंगी उनको अपने वीडियो में। मैं जा रही हूँ वाटर मेलन, तो मैं कट करके लेकर आ गई थी घर से कि गाड़ी में ही खा लेंगे क्योंकि घर पर खाने का तो टाइम था नहीं। बाहर कितना पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है और पानी देखिए नदी आ रही है पूरी, और सच में बहुत ज्यादा है। बारिश भी तो बहुत तेज हुई है। तो टाइम हो गया है 4 और हम लोग अभी लंच करने के लिए रुके हुए हैं। बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, सबको बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि हमने सिर्फ सुबह से नाश्ता ही किया है। तो हम एक ढाबे पे रुके हुए हैं, शिवा ढाबा करके, और हमने यहाँ पर थाली ऑर्डर कराई है। अभी देखते हैं खाना कैसा होता है। फर्स्ट
हमने खाना खा लिया है, अब जाके आ गई पेट में जान, वरना भूख के मारे तो हालत इतनी खराब हो रही थी ना। 4:30 बज गए, अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, वरना हमें यहीं पर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जल्दी से जो है घर भी पहुँचना है। हम लोग घर की तरफ को जा रहे थे रुड़की के, रुड़की में हम इस टाइम पे, और सड़क से ना हमें दिखे स्ट्रॉबेरी का मतलब पूरा फार्म दिखा, और हम लोग रुक गए और देखे कितनी सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, एकदम फ्रेश है, खाई भी है, इतनी मीठी हो रही है। और मैंने ना फर्स्ट टाइम जो है स्ट्रॉबेरी का फार्म देखा है इस तरीके से, देखिए। एक स्ट्रॉबेरी मैंने तोड़ी है खाने के लिए, अभी फ्रेश, इतनी बढ़िया हो रही है ना, ऑसम, मज़ा आ गया खा के, सच बोल रही हूँ। तो हमने यहाँ से स्ट्रॉबेरी ले ली है 3 किलो, और भैया हमारे सामने जो है ना स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे हैं। खा के भी मजा आया और देख के भी मजा आया। बारिश फिर से शुरू हो गई है, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, और अब हम लोग जा रहे हैं, पहले जाएंगे मेरे माई के, क्योंकि जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो मम्मी का घर पहले पड़ता है, ससुराल जो है बाद में है। तो सबसे पहले माई के जाएंगे, वहां पर रुकेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे। तो मेरे पतिदेव जो है ना, जब तक अपनी सासू माँ से नहीं मिल लेते तब तक उनको ना चैन नहीं मिलता है ना। मेरी सासू माँ को बोले वो खानी थी लाल लाल स्ट्रॉबेरी खानी नहीं खानी थी, झूठ बोल रहे, मम्मी को स्ट्रॉबेरी नहीं खानी थी, लेकिन मम्मी खा लेगी क्योंकि ये अच्छी है एकदम। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने माई के, मम्मी से थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, और मम्मी को कप्पा फोन कर दिया था कि चाय बना के रखना, चाय बना, और मम्मी ने चाय बना ही रही है आधी चाय। अरे हम बहुत जल्दी पहुंच जाते, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक हम लोगों को मिला है ना, यहीं से ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो फाइनली मायके में आके एक सुकून मिलता है, वो सुकून मतलब फील हो रहा है कि चलो सुकून तो है। तो हाँ बता बता बोलना अब बोल नहीं ठंडा, तेरे कैमरे में अच्छा आता है यार, मेरे कैमरे में बहुत बढ़िया सुंदर आते हैं। अभी आया है जिम से, ये गया था जिम, बस अभी पहुंच ही रहा है, हमारा वेट कर रहा था, और एक और लड़की से मिलवा देती है आपको, जिसने पापा के साथ किया था प्रैंक। ये देखो भाई और पापा ने पूरा बिस्किट खा भी लिया, पापा को बिल्कुल वो नहीं लगी, फील ही नहीं हुआ पापा को, पापा को एंड में पता लग जाता है पापा को लास्ट। ओ स्वाति बहू रानी दे रही है चाय सबको, ये चाय कल की है ना, हाँ वो तो एक ही चीज खाता है, पंजाबी तड़का। और यहाँ पर आए हुए हैं गोलगप्पे, सूजी वाले ना, सूजी वाले सारे, हाँ जो की है, और हमने पहले ही चाय पी के गलत कर दिया, पर चलो कोई नहीं, एक एक दो दो टेस्ट कर लेंगे। वंशिका की तरह लार टपकने लग गई होगी ना, पानी बस तो ये वाला पानी, और ये तो मार्केट का है। अच्छा ये खट्टा पीती है मीठा बता नहीं। आज मेरे साथ इन लोगों ने इतना गंदा प्रैंक किया है ना, मुझे औरों का तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरी माँ है ना, ये मेरी माँ भी इसमें शामिल थी भाई साहब, मुझे मतलब लिटरली मुझे रोना आ रहा था, वो इतना गंदा प्रैंक इन्होंने मेरे साथ किया है ना, मतलब वैसे कम ही हुआ ये प्रैंक पर, ये ना और इस इसकी वजह से ना इसने मुझे रुला ही दिया था, मैंने कैसे कंट्रोल अपने आप को करा है भाई, इसके चैनल पे इसको अनसब्सक्राइब कर देना। और ये भाई ये सारे के सारे, और पापा इनमें और मास्टर हीरो बने पड़े, पापा ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, और मेरी माँ भी, हमने तो पापा को सबसे लास्ट में पापा से ऐसे बोलता नहीं, और ये पापा के साथ, और ये और मुझे बता अगर मैं पापा से थोड़ी सी बहस करूँ तो ये मेरे को वो करेगी, ये ना मेरे को बार बार पैर से करेगी, तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है, खतरनाक एक्टिंग किया ना, आप देखना जरूर इसका व्लॉग जरूर देखना, और कमेंट करके बताना जरूर, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो वैसे मुझे बहुत बुरा लगा है, और मैं ये सहन नहीं हो पाएगा भाई, ये पिटा भी है इस चक्कर, पापा ने इतनी खतरनाक एक्टिंग करी है ना भाई साहब, मैंने सोचा पापा को देखो जरा इन्वॉल्व हो गए इसमें भी, मुझे मतलब मुझे ये तो था कि सब लोग कर सकते पर पापा नहीं कर सकते, और ये माँ का भी नहीं था, मुझे भी ये विश्वास नहीं था,
देखा ऐसे ही होता है माइक ये चिरकुट मुझे माइक में ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो चले चलो। तो जी फाइनली सुबह से ट्रैवल करते करते शाम को मैं पहुंच गई हूं अपनी ससुराल में। सबका डिनर वगैरह हो चुका है, हमारे यहाँ पर देखिए बिस्तर भी लग चुके हैं और ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ हमेशा मैं आके सोती हूँ। मुझे ना फोल्डिंग पे सोना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम लोग थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारेंगे और सो जाएंगे और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।